वर्ल्ड T20 कब स्टार्ट होगा? जून के महीने में, ठीक हो गया। अभी है जनवरी, चलो मोटा मोटा कर लो मिड ऑफ जनवरी। तो कितना टाइम है अभी जनवरी से लेकर जून के वर्ल्ड T20 आने में? अरे रहने दो कैलकुलेशन, मैं बता देता हूं। एवरेज 5 महीने कर लो, ठीक है। 5 महीने पहले एक डिसीजन होता है BCCI की तरफ से, और इस डिसीजन के पीछे वर्ल्ड T20 की टीम अभी से ही डिस्कस होना शुरू हो गई है। और वो डिसीजन क्या है? वो है रोहित शर्मा को वापस लाने का, विराट कोहली को वापस लाने का। और इस एक डिसीजन के पीछे भाई साहब इस पर्टिकुलर टाइम में युद्ध चल रहा है, जंग फुल टाइम माहौल गर्म है। तो मैंने सोचा कि यार इस सारे मामले को ना अपने हिसाब किताब से देखते हैं, एक जिसे कहते हैं ना न्यूट्रल फैन होके, कि ये सारा मामला है क्या। देखें, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताता हूँ कि विराट कोहली को वापस लेकर आए, रोहित शर्मा को T20 फॉर्मेट में वापस लेकर आए 14 महीनों के गैप के बाद। इस 14 महीनों के गैप के ऊपर बहुत ज्यादा लह दे हुई। एक्स क्रिकेटर्स का एक ग्रुप विराट और रोहित के हक में था कि इनको वापस आना चाहिए, डजंट मैटर 14 महीनों से T20 क्रिकेट नहीं खेली, इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों फॉर्म में हैं, वापस आने चाहिए, इनकी अपनी लॉजिक्स थी। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी साइड के जो लोग हैं उनमें कुछ एक्स क्रिकेटर्स भी हैं, उनका ये कहना है कि नहीं लाना चाहिए, यंग टीम है आपके पास, अब मूव फॉरवर्ड करें, अब दोबारा से रिवर्स गियर क्यों लगा रहे हैं, डायरेक्शन लेस फैसला कहा गया BCCI की सिलेक्शन कमेटी के रोहित और कोहली से रिलेटेड वापस लाने के फैसले को, बैक टू स्क्वायर वन की एग्जाम्पल्स दी गई। इस साइड के पास भी अपने लॉजिक्स, अपनी दलीलें, अपनी रीजनिंग, ठीक हो गया। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि भाई आप वर्ल्ड T20 के लिए या उससे ऑनवर्ड्स एक रिलेटिवली न्यू टीम लेकर आना चाहते हैं, या फिर आप पुराने ही बाबों के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। यह भी कहा गया कि ये जो अब आप वर्ल्ड T20 के लिए जो मोटे मोटे लड़के नजर आ रहे हैं, प्लेयर्स नजर आ रहे हैं कि जो सिलेक्ट हो जाएंगे, जैसे रोहित और कोहली, ये ऑटोमेटिकली अब वर्ल्ड T20 की टीम में भी आपको नजर आएंगे, कुछ और नाम भी हैं। तो एक ग्रुप ये कहता है कि जब आप इस टीम को देखेंगे ना, प्लेइंग 11 को, तो आपको ऐसे लगेगा कि 2024 के वर्ल्ड T20 में आप उसी टीम के साथ खेल रहे हैं जो अगेंस्ट इंग्लैंड 2022 का वर्ल्ड T20 का सेमीफाइनल हारी थी। तो इसका मतलब ये है कि आप 2022 के बाद आगे नहीं गई, आप 2024 में आकर आपने पीछे को जंप मार दिया, ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा, फिर एक प्रॉब्लम ये भी है कि आप पता है हार्दिक पांड्या वो इंजर्ड थे, बाहर थे, विराट कोहली नहीं खेल रहे थे, रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे, शामी नहीं थे। तो इंडिया ने 2 T20 सीरीज लेटली खेली हैं, एक उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेली रिलेटिवली यंग साइड के साथ, सीरीज जीते, होम सीरीज थी, इंडिया की टीम जीती, सूर्या कुमार यादव ने कैप्टनसी की थी। साउथ अफ्रीका में इन्होंने T20 दो खेले, वो 1-1 से बराबर कर दिया, सेम रिलेटिवली न्यू टीम, उसमें यंग लड़कों की परफॉर्मेंसेज सामने आई, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह स्पेशली, यशवी जायसवाल, उनकी परफॉर्मेंस सामने आई, जितेश शर्मा सामने आए, मुकेश कुमार सामने आए, यू नेम इट। तो यानी कि यंग लड़कों ने आकर परफॉर्मेंसेज दी। तो अब इस सारे माहौल को लेकर यही चर्चा हो रही है, यही मुद्दा डिस्कस हो रहा है कि भाई आप दोबारा वापस क्यों किए हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर। अच्छा, अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ क्रिकेटर्स हैं उनकी सिलेक्शन ऑटोमेटिक होगी, रोहित ओपनर कैप्टन, नंबर 3 के ऊपर आपके पास विराट कोहली आ गए, नंबर 4 के ऊपर आपके पास सूर्या कुमार यादव आ गए, नंबर 5 के ऊपर आपके पास कौन आ गया? हार्दिक पांड्या। नंबर 6 के ऊपर यहां तो आपको सैमसन को खिलाना पड़ेगा या आपको जितेश को खिलाना पड़ेगा, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके सामने क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। रिंकू सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद फिर प्लेइंग 11 का पार्ट ना बन पाए, जो ये जो मैंने आपको बताया ना फॉर्मेशन टीम की, उसमें रिंकू सिंह फिट नहीं होते, क्योंकि बुमराह वापस आएंगे, सिराज वापस आएंगे इस टीम में जडेजा वापस आएंगे, तो आपको बॉलिंग लाइनअप भी रखना है। अब आपको यहां पर आपने बॉलिंग लाइनअप रख लिया, आपने टॉप ऑर्डर रख लिया, आपने अपर मिडल ऑर्डर भी रख लिया, आपको मसला पड़ेगा जो आपका लोअर मिडल ऑर्डर है वहां पर फिनिशर का। ये मैं आपको वो सारी रीजनिंग बता रहा हूं जो इस पर्टिकुलर टाइम में डिस्कस हो रही है, ठीक है। अब मेरा यहां पर नुक्ता ये है, अब मैं आपको बताता हूं अपना एनालिसिस। देखें, वर्ल्ड T20 कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट होता नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि आप जाकर अपने पहले 4 मैचेस खेलेंगे US के अंदर, रिलेटिवली न्यू पिचेस, आपको नहीं आइडिया कि वहां पर किस किस्म की विकेट्स होती हैं, वो आपको किस किस्म का पेस का सामना करना पड़ता है, आउटफील्ड किस किस्म की, वहां पर रिलेटिवली एक लिहाज से नई क्रिकेट आपको खेलनी पड़ेगी। फिर आपने वेस्ट इंडीज जाना है, वेस्ट इंडीज के अपने अलग से मामलात हैं, वहां की पिचेस
बैटिंग भी हो जाती हैं, बॉलिंग भी हो जाती हैं, वो ट्रिकी टाइप की पिचेज हैं। स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं आपको बता रहा हूँ, यू नेवर नो कि वो रिलेटिवली ना वो 150-60 वाली पिचेज हैं स्ट्रेट फॉरवर्डली। उसमें अब ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, वो भी हमने देखा है, लेकिन अगर ऑन एवरेज बात की जाए तो वो यही है 140, 150, 160। तो वहाँ पर भी इसका मतलब है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बैटिंग चाहिए। तो अगर आप रोहित और विराट को डालते हैं तो आपकी ये बैटिंग लाइनअप डेफिनेटली स्ट्रांग होती है। इन दोनों की परफॉर्मेंसेज भी हैं, ये दोनों एक अच्छी फॉर्म में भी लेकर चल रहे हैं। आपका बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो ऑलरेडी स्ट्रांग है, देखें बुमराह आ जाएंगे, सिराज होंगे वहाँ पर, जडेजा आपका स्पिन डिपार्टमेंट है, हार्दिक पांड्या आपके पास ऑलराउंडर हैं। अच्छा, फिर आप एक आधा बॉलर और भी यूटिलाइज कर सकते हैं, मोस्ट प्रॉबेबली मोहम्मद शमी का, जो कि अभी तो फिलहाल उनके आगे क्वेश्चन मार्क है, उनको खुद भी नहीं पता कि वो होंगे या नहीं होंगे, बट मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि ये एक अरेंजमेंट बन सकता है। जहां तक बात होगी ना कि मिडिल ऑर्डर में आपके पास फिनिशर नहीं होगा अगर आप रिंकू सिंह को नहीं खिलाते, तो ये रोल वाई नॉट सूर्य कुमार यादव नहीं अदा कर सकते, हार्दिक पांड्या नहीं कर सकते, जडेजा नहीं कर सकते, सैमसन या जितेश में से कोई नहीं कर सकता, सैमसन या जितेश की जगह के ऊपर वाई नॉट / रिंकू सिंह आप कर रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन है मेरे नज़दीक। तो अगर आप सैमसन जितेश की बात कर रहे हैं तो फिर आप साथ में रिंकू सिंह को भी कर लेना, रिंकू सिंह में क्या प्रॉब्लम है, इन दोनों का क्या, वो इनसे कम बैट्समैन है? नहीं, फिनिशर तो वो भी बहुत अच्छा है, बल्कि इन दोनों से शायद ज़्यादा अच्छा है मेरे नज़दीक। तो वो जो फिनिशर की आप जॉब की बात कर रहे हैं, वो फिर हार्दिक पांड्या क्यों नहीं कर सकता, वो स्काई क्यों नहीं कर सकता, वाई नॉट आप सिर्फ डिपेंडेंट हुए पड़े हैं रिंकू सिंह के ऊपर, तो ये गलत अप्रोच है। खैर, अभी मैं सिर्फ एंड पर ये कहूंगा कि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा बहसों मुबाइसे में डिबेट में पड़ गए हैं, अभी 5 महीने पड़े हैं, अभी बीच में IPL ने आना है, उसमें आपको प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस का पता चलेगा, वो सारा डाटा इकट्ठा करके तो आपकी फिर सिलेक्शन होगी ना। तो 5 महीने पहले ही बहुत ज़्यादा जोर लगाकर चीखें मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अगर विराट और रोहित को सिलेक्ट कर लिया गया है। जब कोई मेजर टूर्नामेंट होता है तो आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है और आपको यंग गन्स जो है उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप यंग गन्स को ही सिर्फ डाल के मत सोचें चीज़ को, यू नेवर नो कि आपकी यंग गन्स जो हैं वो एक इतने बड़े टूर्नामेंट का प्रेशर हैंडल ना कर सकें और ठुस हो जाएं, पहले ही राउंड में ठुस हो जाएं, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप चीखें मारेंगे कि यार काश विराट और रोहित को खिला लिया होता। तो इन सारी चीज़ों को ना, ये इफ्स एंड बट्स जो है ना, ये वो टेक्निकली हैंडल करने पड़ते हैं। जज्बाती मत हो, वेट करें, ये अफगानिस्तान वाली सीरीज़ देखें, उसके बाद IPL देखें, फिर बात कर लेंगे। ना मैं कहीं जा रहा हूँ, ना आप कहीं जा रहे हैं, ना BCCI की सिलेक्शन कहीं जा रही है, ना एक्स क्रिकेटर्स कहीं जा रहे हैं, क्या ख्याल है? बस इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।